उस ईमान पर लानत भेजता हूं जो तुझे इस बात को कबूल करने की दावत दे रहा है। मैं तेरी सूरत पर लानत भेजता हूं, तेरी मैं उस जिंदगी पर लानत भेजता हूं कि तू तेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत हुई और मुल्लाओं की मोहब्बत तेरे दिल के अंदर है। आगे सुनो, सुनियो क्या लिखता है। ये मैंने जो इबारत पेश की है सफा नंबर 17 की थी, अब मैं 17 नंबर 25 पर चलता हूं। इबारत 25 नंबर पर चलता हूं, सफा नंबर। वो लिखता है, बेशुमार ऐसी करामत नहीं है कि कब्रों से वही निकलते हैं। अब इस सुअर के बच्चे के पास कोई हदीस तो थी नहीं शिर्क करार देने के लिए, कोई नाराज तो नहीं हो रहा सुअर का बच्चा कहने से। मैं इस वजह से कह रहा हूं, मैं क्योंकि उसने हुजूर को गाली दी। अगर कोई कहता फिर भी, मैंने कहा क्योंकि असल में सुअर का बच्चा, फिर वाकई में तो खिंजीर का बच्चा है। वाकई में कुछ यहाँ के लोग कहते आप खिंजीर क्यों बोलते हो, मैंने कहा मुझे इसमें बड़ा मजा आता उस ताके रसूल को तो अल्लाह ने जमीन कहा है। क्या कहा है? जमीन। और दुनिया की सबसे बदतरीन खल्क खिंजीर है, तो यकीनन वो मुर्दार इसलिए है कि उसके अंदर हया नहीं थी। उलमा बहस करते हैं खिंजीर को हराम क्यों किया गया, कहा खिंजीर बेगैरत जानवर होता है, उसमें हया नहीं होती। और जो रसूल पाक की मोहब्बत को ना जाने उससे बड़ा बेहया कौन हो सकता है। हाँ आप सुनिए, और मौलाना सुनो, ये मैं अपने हुजूर की मोहब्बत में बोलता हूं, आपके पास कभी नहीं आऊंगा, मेरी जमानत करवा देना इंशाल्लाह। अब देखिए आगे क्या लिखता है। लिखता है मसलन अन यराल कब्र कद इंशक्का, कभी ऐसा होता है कि कब्र शक हो जाती है, कभी ऐसा होता है कि कब्र फट जाती है। वो खारजा मिनहुल मय्यित, और मय्यित अंदर से निकल जाती है। वो कलीमा हूं, और मैयत उससे बात करती है। वो आना कहूं, उससे गले मिलती है, उस आदमी से, उस नेक बंदे से। बहुत से बुजुर्गों के साथ के साथ जानवर करामत आप पढ़िए, सुन भानी रहमतुल्लाह ने की बेशुमार बुजुर्गों की शान है। बहुत से आदम की करामत है कि जनाब जब जिंदा किए तो कब्र से जिंदा निकला बंदा, उसको जिंदा किया और वो ईसाई मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ। और दयूसों से शिर्क नहीं, से इस्लाम की अजमत जाहिर होती है। मेरे गौस ने कहा बता कौन सी कब्र को जिंदा करे, सबसे कमजोर कब्र इसको जिंदा कर। आपने कहा खड़े हो गया मेरे रखे हो, और वो मुर्दा जिंदा हो गया, ईसाई मुसलमान हो गया। और ये दयूस का बच्चा कहता है इन करामतों को, कहता है बसा औकात ऐसा होता है कि कब्र फट जाती है। वो खर्ज मिनहुल मय्यित, उससे मुर्दा निकलता है, वो बात करता है और जो सामने खड़ा उससे गले मिलता है। वो हाजा यरा, इबारत दिल पर हाथ रखिएगा माजल्ला, कितना बड़ा शैतान था। वो हाजा यरा इंदा कबूर अंबिया वगैरह, यहां तक कि ये बातें नबियों की खबरों के पास भी पाई जाती है। वो कहता है कैसा कब्र फट गई, मुर्दा निकला, तो क्या ऐसा होता है कभी कभार? इनकार नहीं करता उसका, कहता होता है, और अक्सर ये अंबिया की खबर के पास भी होता है, लेकिन बोलता ये होता क्या? कहा वह इन नमा वो शैतान होता है। क्या कहता है खंजीर? वो शैतान होता है। फैन शैतान या तस्वर हो सूरत इनसे, वो कब्र से शैतान निकलता है और वो आदमी की सूरत ले लेता है। वही अहदुकुम अन्नहु नबीयुन फना औ शेख फना व यकूनु काज़िबन, और कहता है मैं फना नबी हूं, मैं फना पीर हूं, हालांकि वो झूठा होता है। राशिदी मस्जिद बनाइए मूसा लाइन पर, मैंने कहा पेशाब करता हूं मैं तुम्हारे मजहब पर, खुदा की कसम ऐसे मजहब पर मैं पेशाब करता हूं कि जिसके अंदर यह कहा जाए कि नबी की कब्र फटे और उससे शैतान निकले, अल्लाह कि जिसमें यह कि सरकार सामने खड़े हो ख्वाब में और कहे कि जनाब ये माजल्लाह अल्लाह ये कौन आ गया है, बोले ये शैतान आ गया माजल्लाह। तफसीर नूहुल मानी के अंदर मौजूद है, सहाबी रसूल ख्वाब में सरकार को देखते हैं और दौड़ते हुए जाते हैं मुसलमानों की मां, बोलो मुसलमानों की मां, मुसलमानों की मां हजरत मैमूना के पास, हजरत इब्ने अब्बास ही होते हैं, और कहते हैं कि मेरे आका ने फरमाया था जिसने मुझे ख्वाब में देखा करीब मुझे जागते में देखेगा, तो मेरी मां मुझे सरकार का वो आईना दिखा दो जिसमें सरकार अपना चेहरा देखा था, क्योंकि मेरा यकीन है कि मेरे आका ने सच फरमाया। लानत है वहाबी और तुम पर, काश तुम सहाबी के अमल पर चलते तो ना खंजीर की नस्ल बनते ना कुत्ते की, इंसान का लुचवा होते। क्या होते भाई? बुरा लगे कल से तस्वीर सुनने नहीं आ रहा भाई, बुरा लगे मेरी तरफ से दो रोटी ज्यादा खा लेना, तस्वीर सुनने नहीं आना, ठीक है? और अगर बुरा लगे कि देख लूंगा तो